और ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि सऊदी अरब से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है, जहां पर सैकड़ों पाकिस्तानियों को मदीना मुनव्वरा की हदूद से गिरफ्तार कर लिया गया। मस्जिद नबवी के अंदर ऐसा क्या काम किया जा रहा था कि सऊदी अरब ने पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन करते हुए सैकड़ों पाकिस्तानियों को और इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे मुतालिक तफसीलात क्या हैं आपको फराहम करेंगे इस वीडियो में। देखने वाले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन पर भी क्लिक करें। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब के अंदर रियाजुल जन्ना पाकिस्तान से जाते हैं। बहुत से लोग रियाजुल जन्ना के अंदर दाखिल होने के लिए एक ख़ास परमिट की ज़रूरत होती है, इजाज़त नामे की, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए लिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो बहुत से पाकिस्तानी जाली तरीके से रियाजुल जन्ना यानी कि मस्जिद नबवी के उस ख़ास हिस्से में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और जाली तरीके से एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके उसको फेक तरीके से बनाकर जब अंदर दाखिल होते हैं। तो इस हवाले से सऊदी काम ने इस बारे में एक्शन लिया और सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों को मस्जिद नबवी के ना सिर्फ सहन से गिरफ्तार कर लिया बल्कि मदीना के अंदर मौजूद ऐसे तमाम तर सैकड़ों पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके अंदर ख्वातीन भी शामिल थीं। और ये तमाम तर लोग जाली तरीके से रियाजुल जन्ना में एप्लीकेशन बनाकर दाखिल हो रहे थे। आपको बताते चलें कि सऊदी हुकाम ने इस हवाले से पाबंदी आयद की है कि अब साल के अंदर एक मरतबा ही दाखिले की इजाज़त होगी।